डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, 10th क्लास के साइंस सब्जेक्ट में हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर को पढ़ रहे हैं। नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर हम लोगों को पिछले क्लास में पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। तो NCERT के जो बुक होते हैं उसमें बीच में जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्न होते हैं, चलिए उन प्रश्नों को करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा जाए, पहली जो प्रश्न है लिखा जाए, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है, तो रासायनिक समन्वय आखिर जंतुओं में कैसे होता है, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो चलिए पहले इसका आंसर लिख लिया जाए, फिर हम आपको समझाते हैं। लिखा जाए आंसर, जंतु हार्मोन रासायनिक समन्वय का कार्य करते हैं। जंतु हार्मोन रासायनिक समन्वय का कार्य करते हैं, पूर्ण विराम, इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि या नलिका विहीन ग्रंथियां से स्रावित किया जाता है, से स्रावित किया जाता है। ये शरीर के उस हिस्से से उत्पादित होते हैं, ये शरीर के उस हिस्से से उत्पादित होते हैं तथा दूसरे हिस्से में कार्य करते हैं। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन था कि जंतुओं के रस में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि रासायनिक समन्वय और नियंत्रण करने के लिए जंतु के अंदर हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है। तो आखिर रासायनिक समन्वय होता किसके द्वारा है, हार्मोन्स की वजह से, जिसको जंतु हार्मोन भी हम लोग कहते हैं। ये जंतु हार्मोन ही रासायनिक समन्वय का कार्य करते हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जो सब हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं। वे सभी ग्रंथियां, अंतः का मतलब अंदर पाई जाने वाली ग्रंथियां, उससे स्रावित होती है, मतलब उत्पादित होती है, निकलती है, बनती है। तो ये जो जंतु हार्मोन है, शरीर के उस हिस्से से बनती है या एक हिस्से से बनती है तो दूसरे हिस्से में उसका कार्य किया जाता है उसके माध्यम से। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन से पूछ रहा था कि जंतु में जो रासायनिक समन्वय है वो कैसे होता है, तो उसका मेन रोल है हार्मोन के वजह से, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा जाए, दूसरा, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। दूसरा में क्या क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। जी हाँ, हम लोग पढ़े भी हैं कि हमें आयोडीन युक्त नमक क्यों, नमक का भोजन क्यों करना चाहिए। हालांकि चलिए इसको आंसर लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। उत्तर लिखा जाए, अवटु ग्रंथि जो हमारे गले में पाया जाता है,
ओटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यकता है, आयोडीन आवश्यकता है। पूर्णविराम इसे में लिखेंगे, हमारे शरीर में प्रोटीन और वसा के, हमारे शरीर में प्रोटीन और वसा के उपापचय की उपापचय को थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट नियंत्रित करता है। उपापचय को थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट नियंत्रित करता है। पूर्ण विराम, यदि हमारे भोजन में आयोडीन की कमी हो जाए तो, यदि हमारे भोजन में आयोडीन की कमी हो जाए तो हम गोइटर रोग से ग्रसित हो सकते हैं, ग्वाइटर रोग से ग्रसित हो सकते हैं। अतः इस रोग से बचने के लिए हमें आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है, सलाह दी जाती है। जी हाँ, जैसा कि हम लोग पढ़े भी थे कि आखिर हम लोगों को आयोडीन युक्त नमक का उपयोग का सलाह क्यों दिया जाता है, तो आप जानते हैं कि हमारे गले में पाए जाने वाला ओटू ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होता है, तभी जाकर ये थायरोक्सिन हार्मोन बनता है। अब ये थायरोक्सिन हार्मोन कम काम क्या है, ये वसा प्रोटीन को उपापचय में मदद करता है और इसी के वजह से हमें आयोडीन युक्त भोजन जरूरी है। अगर हम आयोडीन युक्त भोजन नहीं करेंगे तो हम ग्वाइटर रोग से ग्रसित हो सकते हैं। ग्वाइटर का मतलब घेंघा रोग, गले का रोग। इसमें इसका पहचान है, लक्षण है कि गला सूज जाना, ठीक है, इससे ग्रसित हो सकते। तो इससे ग्वाइटर रोग से बचने के लिए हम लोगों को आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हालांकि हम लोग पढ़े भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन लिखा जाए, क्वेश्चन, जब एड्रिनल रुधिर में, जब एड्रिनल रुधिर में स्रावित होती है तो, रुधिर, रुधिर मतलब ब्लड, खून, रुधिर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है, हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है। देखिए क्वेश्चन क्या था कि जब एड्रिनल हार्मोन, ये भी एक तरह का हार्मोन ही है, ये रुधिर में जब स्रावित होता है, मतलब कि ब्लड के साथ मिलकर स्रावित होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो हमारे शरीर में कैसी अनुक्रिया होती है, क्या चेंज आता है हमारे बॉडी में, ठीक है, ये क्वेश्चन है। लिखा जाए इसका उत्तर, जब कोई व्यक्ति तनाव की स्थिति में होता है तो, तनाव की स्थिति में होता है तो शरीर स्वयं, शरीर स्वयं एड्रिनल हार्मोन को बड़ी मात्रा में स्रावित करता है, स्वयं
एड्रिनल हार्मोन को बड़ी मात्रा में स्रावित करता है ताकि आपातकाल का सामना कर सके, ताकि आपातकाल का सामना कर सके। पूर्ण विराम। जब एड्रेनल हार्मोन रुधिर में स्रावित होता है तो जब एड्रेनल हार्मोन रुधिर में स्रावित होता है तो यह हृदय के धड़कन को बढ़ा देता है, यह हृदय के धड़कन को बढ़ा देता है और यकृत यानी कि लीवर, यकृत से ग्लाइकोजेन अधिक ग्लूकोज स्रावित करता है, ग्लाइकोजेन अधिक ग्लूकोज अधिक ग्लूकोज स्रावित करता है। चलिए सवाल क्या था कि जब एड्रिनल एड्रिनल को एड्रिनलिन भी हार्मोन भी कहते हैं, तो इसको लेकर टेंशन नहीं लीजिएगा, एड्रिनलिन हार्मोन। तो सवाल बोल रहा था कि जब एड्रिनल रुधिर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या क्या अनुक्रिया होती है, शरीर में क्या क्या चेंजेज आते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि आखिर ये एड्रिनल हार्मोन हमारे शरीर में कब स्रावित होती है, हमारे शरीर में कब बनता है। तो ये तभी बनता है जब हम टेंशन में होते हैं, यानी कि टेंशन का हिंदी होता है तनाव, यानी कि जब हम किसी पर ज़्यादा ही विचार करने लगते हैं, उससे पूरी तरीके से घिर जाते हैं, पूरा हम टेंशन में हो जाते हैं, पूरा दिमाग काम करना बंद कर देता है, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, वैसी स्थिति में एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है। यानी कि एड्रिनल कब बनता है हमारे शरीर में, जब हम तनाव की स्थिति में रहते हैं, जब हम टेंशन में रहते हैं। तो हमारे शरीर में स्वयं ही ये बनाना नहीं पड़ता है, अचानक ही स्वयं ही जब हम टेंशन में होते हैं हमारे शरीर में एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है। अब इसका काम क्या है कि जो भी हम टेंशन में जी रहे होते हैं वह एक आपातकाल स्थिति होती है। आपातकाल का मतलब अचानक से प्रॉब्लम हमारे शरीर में, हमारे माइंड में, ऐसा कुछ इमरजेंसी बोल सकते हैं, नहीं बोलते हैं, कहीं आग लग गया तो आपातकालीन व्यवस्था के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है, ठीक है। कहीं किसी का अचानक से हड्डी टूट जाती है, उसको आपातकालीन सुविधा दिया जाता है। इमरजेंसी का मतलब हुआ ये आपातकाल। तो अगर हम जब टेंशन में होते हैं तो एड्रिनल हार्मोन स्रावित होती है, और ये इसलिए स्रावित होती है ताकि उस स्थिति का आपातकाल में सामना कर सके, ठीक है। अच्छा, जब एड्रिनल हमारे रुधिर में मिल जाता है, स्रावित हो जाता है, तब शरीर में क्या क्या चेंजेज आती है। तो हमारे हृदय का धड़कन बढ़ जाता है, और दूसरा यकृत में यानी कि लिवर में जो ग्लाइकोजेन होते हैं, उस ग्लाइकोजेन में ग्लूकोज अधिक मात्रा में स्रावित होने लगता है। ग्लूकोज जो है अधिक मात्रा में स्रावित होने लगता है, कहाँ पे, यकृत से ग्लूकोज जो है, ग्लाइकोजेन अधिक ग्लूकोज स्रावित करता है। यानी कि ग्लाइकोजेन एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे ग्लूकोज स्टोर रहता है, लेकिन वहाँ पे जैसे हम लोग कुछ खाते पीते हैं वहाँ एनर्जी स्टोर किया जाता है, तो वही ग्लाइकोजेन है जहाँ पे ग्लूकोज जो है स्टोर है। लेकिन जब भी हम तनाव की स्थिति में होते हैं तो एड्रिनल हार्मोन निकलता है और हमारा हृदय का धड़कन बढ़ता है, दूसरा में कि ग्लाइकोजेन से ग्लूकोज निकलने लगता है, स्रावित होने लगता है। तो इस तरीके से
ये क्वेश्चंस का आंसर हुआ कि शरीर में क्या अनुक्रिया होती है, तो हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज निकलने लगता है। तो फिर अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा जाए, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन की इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। इंसुलिन की इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। चलिए, क्वेश्चन है हम लोगों का कि आखिर मधुमेह के कुछ रोगियों को इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों देकर ठीक किया जाता है, सवाल है। तो मधुमेह के बारे में हम लोग पढ़े थे कि मधुमेह एक रोग है जिसमें शरीर की मात्रा में शर्करा अगर ज़्यादा बनने लगता है तब हमको मधुमेह हो जाता है, मधुमेह की रोगी समझा जाता है। तो चलिए इसका आंसर लिखा जाए। चौथा का उत्तर, मधुमेह के रोगी इंसुलिन हार्मोन की कमी से पीड़ित होते हैं। इंसुलिन हार्मोन की कमी से पीड़ित होते हैं। पूर्ण विराम, मधुमेह के रोगियों में जब अग्न्याशय इंसुलिन की पर्याप्त मात्रा पर्याप्त मात्रा स्रावित करने में असफल रहता है तो स्रावित करने में असफल रहता है तो रक्त का ग्लूकोज स्तर बढ़ जाता है। पूर्ण विराम, इसलिए रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को कम करने के लिए मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। सवाल ये था कि आखिर मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों ठीक किया जाता है। तो इसका आंसर ये हुआ कि आखिर मधुमेह की रोगियों को किसकी कमी हो जाती है, हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन की रिलीज होती है और ये अग्न्याशय से उत्पन्न होती है, तो इंसुलिन की हार्मोन की कमी हो जाती है तब उनको मधुमेह की रोगी समझा जाता है। और जब अग्न्याशय से ये इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में स्रावित होता है, पर्याप्त मात्रा में स्रावित होने में असफल हो जाता है, तो रक्त में यानी कि ब्लड में ग्लूकोज या बोल सकते हैं शुगर, ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। कब? जब हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन कम बनने लगता है। तो याद रखिए कि जब हमारे शरीर में इंसुलिन कम बनता है तो हमें मधुमेह की रोगी समझा जाता है। अच्छा, इंसुलिन हार्मोन कम बनने बनता है तो क्या होता है? तो इंसुलिन हार्मोन अग्न्याशय से में बनता है और ये जब कम मात्रा में बनने लगता है तो हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, ऑटोमेटिक ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इसीलिए उस ग्लूकोज को कम करने के लिए, रक्त में शुगर को कम करने के लिए
इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, और डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि आप मीठा ज़्यादा भोजन नहीं किया कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे भी ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा है, क्योंकि आपके शरीर में इंसुलिन बन नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर मधुमेह की रोगियों को इंसुलिन का इंजेक्शन यानी इंसुलिन का सुई देकर भी उसे ठीक किया जाता है। तो दोस्तों ये था प्रश्न जो एनसीईआरटी के बीच में के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें बचे हुए 4 क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया। तो दोस्त फिर मिलते अगले क्लास में, वहाँ पे हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न उत्तर को करेंगे। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।